और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। ये बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है, आय से अधिक संपत्ति मामले में आज अहम फैसला आएगा। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह फैसला आएगा आज। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट दरअसल अपना फैसला सुनाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश से जुड़ी हुई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला पर दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। दरअसल 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। 6,09,00,000 रुपए की संपत्ति जुटाने पर ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। और बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। स्पर्श, यह अहम जानकारी सामने आई है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला पर आज फैसला सुनाया जाएगा दिल्ली की कोर्ट की ओर से। जब फैसला सुरक्षित रखा गया उस वक्त किस तरह से जिरह हुई, क्या कुछ सुनवाई में दलीलें रखी गई? देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें हो सकता है कि आज बढ़ती हुई नजर आए। जिस तरीके से आज दिल्ली की एक अदालत जो है इस मामले पर फैसला सुनाती हुई नजर आएंगी। ओम प्रकाश चौटाला पर पिछले दिनों भी हमने देखा था कि 2019 में एक बड़ी कार्रवाई जो है इस संबंध में होती हुई नजर आई थी, जहां पर उनकी जो संपत्ति है उसको जो है जब्त किया गया था। इस पूरे मामले के बारे में अगर हम बताएं तो ये पूरा मामला जो है 1993 से और 2006 तक का है, जहां पर लगभग अगर हम बात करते हैं तो 6 करोड़ से ऊपर जो संपत्ति है वो अवैध रूप से जुटाने का जो आरोप है वो आज जो है ओम प्रकाश चौटाला पर जो है लगा हुआ है। और इसी संदर्भ में आज जो सीबीआई है उसकी चार्जशीट भी जो है दाखिल हो चुकी थी। और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो ईडी ने जो है हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, उनकी जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उनको जो है जब्त किया था, जिसमें फ्लैट थे, प्लॉट थे, जमीन थे, ये शामिल थे। तो ऐसे में आज अगर हम बात करते हैं तो इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट किस तरीके से जो फैसला है वो सुनाती हुई नजर आएगी, ये आज जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले दिनों हमने ये देखा था कि आज जो जेबीटी भर्ती घोटाला मामला था उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए थे। इनेलो को ये लगा था कि अब जो है इनेलो जो है जान में जान इनेलो की कहीं ना कहीं आती हुई नजर आएगी। इनेलो के कार्यकर्ताओं को थोड़ी राहत जो है देखने को मिली थी, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला पे आज जो फैसला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में आता हुआ नजर आएगा, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आए। साफ तौर पर स्पर्श, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन क्या माना जाए, कब तक ये फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, अब कब कोर्ट में ये मामला जो है लगता हुआ नजर आएगा उस पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग मामले जो है जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें जो है लगे हुए हैं। तो ऐसे में किस नंबर पर ये मामला जो है लगा हुआ है और इसकी लिस्टिंग जो है कब होती हुई नजर आएगी कोर्ट के सामने, उस पर ये डिपेंड करेगा कि कब जो है इस मामले पर जो है सुनवाई होती है और कब जो है इस पर फैसला आएगा। स्पर्श, बेहद ही बड़ा मामला है हरियाणा के लिहाज से, 3 करोड़ 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्ज भी जब्त भी की जा चुकी है ईडी की ओर से। क्या कुछ जिरह हुई जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, किस तरह से दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई, ये भी जानना चाहें। देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें सीधे तौर पर अवैध रूप से आज जो संपत्ति है वो इकट्ठा करने का आरोप जो है वो आज जो है ओम प्रकाश चौटाला पर जो है लगता हुआ नजर आया था। और इसमें इसको अगर जोड़कर देखे तो जेबीटी या जो भर्ती घोटाला था वो भी कहीं ना कहीं जो है इसको इसमें जोड़कर जो है देखा जा सकता है। ऐसे में आय से अधिक संपत्ति का ये आरोप है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो है जो उनके कार्यकाल में ये जो मामला है वो जो है सीबीआई को जो है सौंप दिया गया था। और सीबीआई लगातार इस मामले में छानबीन जो है करती हुई नजर आ रही, तो सीबीआई ने जब इस मामले पर अपनी चार्जशीट जो है पेश की तो उसमें जो है कई तरह की चीजें जो है निकल कर सामने आई थी। और उसी के आधार पर जब 2019 में ये जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी कार्रवाई होती हुई नजर आई थी, तो ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति भी जो है वहां पर जो है जब्त की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर कहें कि तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला ये बताने में असमर्थ रहे थे कि ये जो
संपत्ति है वो कहां से जो है उन्होंने अर्जित की है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज जो है कोई बड़ा फैसला ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आते हुआ जो है नजर आ सकता है। बिल्कुल, इस पर नजरें बनाए रखिए, तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति का मामला है जिसको लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फैसले में क्या होता है ये देखना होगा।